Welcome, dear viewers. Today my content is about Kishore Kumar's songs in the best and four songs Shami Kapoor's owns the seventh female playback singers the competitionals. दोस्तों एक ऐसा गीत जिसको किशोर कुमार ने सात फीमेल्स के साथ गाया था उस गीत की हम बात करते हैं जिसमें किशोर कुमार की आवाज़ सब पे भारी थी उस ज़माने में. दोस्तों शमी कपूर्स कपूर ख़ानदान जो मोहम्मद रफ़ी साहब को 60s के दौर में बहुत ज़्यादा चाहते थे लेकिन किशोर कुमार्स का रोमांटिकल दौर जो 1969 में शुरू हो जाता है और जिसमें वो कई यूडलिंग के बादशाह और कई किस्म की आवाज़ें निकालते हैं लेकिन दोस्तों ये गीत जो बहुत ही सफलता का गीत रहा जो 1982 की फिल्म का गीत है जिसमें दोस्तों कई ऐसे उस फिल्म के अंदर गीत थे जिसमें हाथों की चंद लकीरों का हाथों की चंद लकीरों का सब खेल है तकदीरों का. किशोर कुमार की दोस्तों उस ज़माने में रोमांटिकल आवाज़ हर हीरो पे जगती थी और हर हीरो चाहता कि किशोर कुमार को अपनी फिल्म के अंदर गीत दिए जाएं ताकि मैं सुपर हिट्स बन जाऊं. लेकिन दोस्तों ये इस फिल्म के अंदर दिलीप कुमार ट्रेजेडी किंग खुद भी आए और इस फिल्म के अंदर दिलीप कुमार संजय दत्त शमी कपूर और कई ऐसे हिंदी कवर्स और कई ऐसे हीरो थे जो इसमें रोल्स कर रहे थे और फिल्म्स के जो गीत संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी कल्याण जी ने उस ज़माने में दिया था और दोस्तों शायरी जो आनंद बख्शी ने उस ज़माने में इसकी शायरी और इसके अंदर जो दर्द भरे गीत थे इसमें एक जोर और गीत की ज़रूरत थी इस फिल्म के अंदर और इसमें दोस्तों कई हेमलता और कई ऐसी कलाकारें थी लेकिन फिल्म के अंदर जो दोस्तों कहानी कुछ इसकी घटनाएं इस तरह थी जो इस फिल्म का जो डायरेक्टर था वो सुभाष गई था और 1980 में उसको ये लगभग लग गया था और 1980 में उसके जहन में एक कहानी थी जो एक फीमेल डॉक्टर्स पे जो उसकी शादी हो जाती है एक आम बंदे से और फीमेल डॉक्टर्स पे डॉक्टर्स के रोल पे जो वो डॉक्टर्स है और इलाज करती है और डॉक्टर्स की जो बड़ों की बड़ी शादी होती है और शादी ब्याह पे जो गीत संगीत गाया जाता है तो जो और लड़कियाँ जो होती हैं उनको जो डिसअपॉइंटमेंट्स होती है जो बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े लोगों पे जो उनकी शादियां और उनकी जो डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं तो उस पे गीत जो किशोर कुमार ने गाया था और ये एक मेडिकल फील्ड्स के मतलब एक साइंस फिक्शंस पे जो गीत था जिस पे मेडिकल फील्ड के अंदर जो डॉक्टर के साथ शादी और आम जनता के साथ जिस तरह बिहेवियर होता है तो उस पे ये एक औरत की कहानी है जो बिल्कुल एक महिला है और डॉक्टर्स है और इसमें दोस्तों सुभाष घई ने जो कई ऐसे सात वर्जन्स में गीत लेकिन आठवां गीत जो था वो किशोर कुमार को दिया था और सुभाष घई डायरेक्टर थे और वो इस तरह का गीत जो एक जोर आवर गीत था जो देना चाहते थे लेकिन दोस्तों जब स्टूडियो में किशोर कुमार को बुलाया गया और किशोर कुमार के लिए उस वक्त सात प्लेबैक सिंगर को भी उस ज़माने में बुलाया गया उसमें कई ऐसी प्लेबैक सिंगर जो थी अलका याग्निक थी अनुराधा पुरवाल थी हेमलता थी और पनपन थी और इस तरह हॉल की गोला थी और इस तरह कई ऐसी और कई ऐसी कलाकारें थी जो इसमें सात कलाकार फीमेल जो एक उनके मुकाबले में एक मेल की आवाज़ जो उस वक्त दोस्तों कई कलाकार जो मेल्स में थे लेकिन किशोर कुमार को उन्होंने चुना और किशोर कुमार जब स्टूडियो में पहुँचते हैं तो कल्याण जी आनंद जी बिल्कुल उदास बैठे हैं और किशोर कुमार जब उनको देखते हैं तो कहते हैं कि आई एम सॉरी मैं बहुत लेट हो गया और
किशोर कुमार सबसे पहले डर जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं स्टूडियो के अंदर, और बहुत सी फीमेल प्लेबैक सिंगर्स जो 1982 में स्टूडियो में बैठी हैं और उस को किशोर कुमार की जो हैरानगी थी बहुत ज़्यादा हो गई थी, और किशोर कुमार बिल्कुल घबरा गए थे, नर्वस हो गए थे, और उसने कहा कि मेरे लिए आप लोग इतना इंतज़ार कर रहे हैं। और फिर कुलियान जी के पास जाते हैं, फिर सुभाष भाई के पास, लेकिन सब उस स्टूडियो में मौजूद किशोर कुमार का इंतज़ार करते हैं, और किशोर कुमार डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि आप लोगों ने मेरा इंतज़ार किया इस गीत की खातिर, लेकिन वो गीत कौन सा है, उसमें सात फीमेल प्लेबैक सिंगर्स ने जो गाया था उसकी हम बात करते हैं। दोस्तों फिल्म का नाम है जो आप देखना चाहते हैं, विधाता, एक फिल्म से 1982 की विधाता फिल्म, जिसमें मुख्य कलाकार दिलीप कुमार, संजय दत्त, मिशन कपूर वगैरह जो थे उनका रोल्स है, जो एक डॉक्टरी पे मैंने आपको बताया कि उसकी घटना एक है, लेकिन गीत जो कल्याण जी आनंद जी को जब देखते हैं तो किशोर कुमार बड़े होकर कहते हैं कि मैं ये गीत नहीं गाता, और बड़े परेशान के मूड्स के आलम में होते हैं, लेकिन उस दौरान शमी कपूर ने किशोर कुमार की जो एक्सप्रेशन थे उसको पढ़ लिया, और शमी कपूर किशोर कुमार की कई ऐसी बातें थी, लेकिन कल्याण जी आनंद जी ने कहा कि आपके हम वेट्स में हैं, तो किशोर कुमार को थोड़ा सा सॉरी फील हुआ, और फिर शमी कपूर कहते हैं कि आपका गाना जो जोर आवर है और आपका गाना हमारे लिए जो है सुपर हिट्स होगा, तो फिर दोस्तों किशोर कुमार आखिर में मान गए, और सात फीमेल प्लेबैक सिंगर जिसमें जो मैंने आपको बताया था हिमलता और अनुराधा अलका और जो और कई कलाकारें थीं जो उनके साथ जो गीत गाया था, वो गीत कौन सा था वो हम आपको सुनाते हैं। सात सहेलियां खड़ी खड़ी, सात सहेलियां खड़ी खड़ी, सात सहेलियां खड़ी खड़ी। दोस्तों ये गीत जो उस पे जो भारी आवाज़ थी, जोर और पावरफुल जो मेल की आवाज़ थी, वर्जन थी, सुभाष भाई को ये आवाज़ किशोर कुमार की आवाज़ चाहिए थी, और कल्याण जी आनंद जी भी बहुत खुश हुए, और इस गीत ने जो शमी कपूर का ये जो गीत था उसकी आवाज़ पे बहुत सुपर हिट रहा। लेकिन दोस्तों किशोरदा इतने महान कलाकार थे कि उसकी ज़ोरदार आवर्स आप विधाता फिल्म के अंदर 1982 की फिल्म के अंदर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये गीत फिर अंबर हो गया, और इस गीत के अंदर जो बहुत सुरस और रोमांटिकल गीत था, और बहुत बड़ी कहानी छुपी है जो हमने आपको बताई है, लेकिन इसमें कई और यूडलिंग स्टाइल्स और हाई पिच सॉन्ग जिसमें किशोर कुमार ने गीत गाया था मुझे बहुत ज़्यादा भाता है। दोस्तों ये जो गीत के अंतरे में आता है तो ये बहुत भाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस तरह की आपको हम वीडियो इंफॉर्मेशन देंगे। थैंक